चार, हमारी नाश्ते की मेज सुबह जल्दी ही साफ कर दी गई थी और होम्स अपने ड्रेसिंग गाउन में मुलाकात का इंतजार कर रहा था। हमारे मुवक्किल सही समय पर आ पहुंचे। जब डॉ मोर्टिमर और युवक हेनरी को ऊपर लाया गया, उस वक्त घड़ी में 10 बज रहे थे। युवक करीब 30 साल का औसत कदकाठी और चौकन्ना था। उसने लाल से रंग का ट्वीट सूट पहना था और उसकी रंगत से जाहिर था कि वह अधिक समय खुली हवा में बिताता था। पर उसकी आंखों में वह ठहराव था जो यह बताता था कि वह सज्जन पुरुष है। यह है सर हेनरी बास्करविले, डॉ मोर्टिमर ने कहा। अरे हाँ, वह बोला, और अजीब बात यह है कि सर शर्लक होम्स, कि अगर मेरे इस दोस्त ने आज सुबह तुम्हारे पास आने की सलाह नहीं दी होती तो मैं खुद ही आ जाता। मुझे मालूम है कि तुम पहेलियाँ बुझा लेते हो और आज सुबह जो पहेली मेरे सामने आई है उसके लिए काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत है। बैठो, सर हेनरी, क्या तुम यह कह रहे हो कि लंदन आने के बाद तुमको कोई अजीब तजुर्बा हुआ है? ऐसा कुछ खास नहीं, मिस्टर होम्स, शायद कोई मजाक ही था। यह एक चिट्ठी है जो आज सवेरे मुझे मिली है। उसने मेज पर एक लिफाफा रखा और हम सब उस पर झुक गए। वह आम तरह का लिफाफा था, स्लेटी रंग का। उस पर लिखा था, सर हेनरी बास्करविले, नॉर्थवेलेंड होटल, पोस्टमार्क चैरिंग क्रॉस, और पोस्ट पिछली शाम को किया गया था। किसको मालूम था कि तुम नॉर्थवेलेंड होटल जा रहे हो? हमारे मेहमान की ओर तीखी नज़र से देखते हुए होम्स ने पूछा। किसी को भी मालूम नहीं हो सकता था। डॉक्टर मोर्टिमर से मिलने के बाद ही वहां जाना तय हुआ था। पर डॉ मोर्टिमर वहीं रुकने वाला नहीं था। नहीं, मैं तो एक दोस्त के साथ रुका था, डॉक्टर ने कहा। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि हम लोग इस होटल में जाने वाले हैं। हो, कोई तुम्हारे ऊपर पैनी नज़र रखे हुए है। लिफाफे के अंदर से उसने कागज़ निकाला और मेज पर फैला लिया। उसके बीच में एक वाक्य था जो छपे हुए शब्दों को जोड़कर चिपकाया गया था। अगर तुमको अपनी जान, दिमाग और मानसिक संतुलन प्यारा है तो बियाबान से दूर रहो। सिर्फ बियाबान शब्द ही स्याही कलम से लिखा गया था। अब सर हेनरी बास्करविले ने कहा, सर होम्स, तुम मुझे बताओगे कि इस सब का क्या मतलब हो सकता है और वह कौन है जो मेरे मामले में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? तुमको क्या लगता है डॉ मोर्टिमर? यह तो तुम भी मानोगे कि यह खत किसी ऊपरी ताकत ने तो नहीं लिखा होगा। नहीं, पर शायद यह किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसे भरोसा है कि यह सारा मामला ऊपरी है। कैसा मामला? सर हेनरी ने तीखी आवाज में पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सभी को मेरे बारे में मुझसे ज्यादा मालूम है। इस कमरे से जाने के पहले तुमको सारी बात बता दी जाएगी सर हेनरी, मैं यह वादा करता हूँ, शर्लक होम्स ने कहा। फिलहाल तुम्हारी इजाजत हो तो हम इस दिलचस्प दस्तावेज पर गौर करते हैं जो कल शाम लिखा और पोस्ट किया गया है। वॉटसन, क्या तुम्हारे पास कल का टाइम्स अखबार है? यहाँ कोने में रखा है। क्या मैं तुमको तकलीफ दे सकता हूँ? अंदर वाला पन्ना सारे लेखों के साथ कृपया मुझे दे दो। उसने उस पन्ने पर नजर दौड़ाई। अचानक खुशी से हाथ मलते हुए वह चिल्लाया, इसके बारे में क्या सोचते हो वॉटसन? डॉ मोर्टिमर ने होम्स की तरफ दिलचस्पी से देखा और सर हेनरी बास्करविले ने एक जोड़ी बदहवास आंखें मुझ पर टिका दी। मुझे अखबार में छपा यह लेख ज्यादा तो समझ में नहीं आया, पर ऐसा लगता है कि तुमको कोई छोटा सुराग हाथ लगा है, वह बोला। छोटा सुराग नहीं, हमको पूरी दिशा ही मिल गई है। यह जो वॉटसन है, मेरे तरीकों को तुमसे ज्यादा जानता है, पर शायद इसको भी इस वाक्य का मतलब समझ में नहीं आया है। नहीं, मैं सच में कुछ नहीं समझ पाया। फिर भी वॉटसन, इस लेख में कई शब्द हैं जो खत में चिपकाए गए हैं। क्या तुमको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। क्या होशियारी दिखाई गई है, सर हेनरी को अचानक समझ में आया। सचमुच मिस्टर होम्स, यह सब मेरी कल्पना के बिल्कुल परे है। डॉ मोर्टिमर ने अचरज से मेरे दोस्त को देखा। मैं यह समझ सकता था अगर कोई कहे कि ये शब्द अखबार में देखे हैं, पर यह बता सकना कि ये किस अखबार से लिए गए हैं और कौन से लेख से लिए गए हैं, यह वास्तव में बड़े अचरज की बात है। यह तुमने कैसे किया? डॉक्टर, मुझे मालूम है कि तुम खोपड़ी देखकर बता सकते हो कि वह किसी नीग्रो की या एस्किमो की। बिल्कुल, पर कैसे? क्योंकि यह मेरा खास शौक है। उन खोपड़ियों में फर्क साफ दिखाई देता है, चेहरे का कोण, जबड़े का घुमाव। क्योंकि यह मेरा खास शौक है और मुझे भी फर्क उतने ही साफ नजर आते हैं। मेरी आंखों को टाइम्स के भारी भरकम काले प्रिंट और किसी सस्ते इवनिंग पेपर के भद्दे प्रिंट में फर्क साफ नजर आता है, जैसे तुमको खोपड़ियों में आता है। अपराध की दुनिया के किसी भी विशेषज्ञ के लिए फर्क पहचानना सबसे अहम होता है। मैं मानता कि जब मैं काफी कम उम्र का था तो एक बार लीज मरकरी और वेस्टर्न मॉर्निंग न्यूज में फर्क नहीं बता सकता था,
पर टाइम्स को पहचानने में कोई भूल नहीं हो सकती और ये शब्द किसी और अखबार के नहीं हो सकते थे। क्योंकि यह काम कल हुआ था इसलिए संभावना इसी बात की थी कि हमें ये शब्द कल के अखबार में ही मिलते। तब फिर, मिस्टर होम्स, जहां तक मुझे तुम्हारी बात समझ में आई है, सर हेनरी बास्करविले बोल पड़ा, किसी ने कैंची से यह संदेश काटा है। नाखून काटने वाली छोटी कैंची से, होम्स ने कहा, तुम देख सकते हो कि यह बहुत छोटी धार वाली कैंची है क्योंकि काटने वाले को हर शब्द काटने के लिए दो बार काटना पड़ा था। यह तो है। तो फिर किसी ने छोटी कैंची से संदेश काटा, गोंद से चिपकाया। हाँ, होम्स ने कहा, गोंद से कागज पर चिपकाया। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि बियाबान शब्द क्यों हाथ से लिखा गया था, क्योंकि यह शब्द किसी जगह छपा नहीं मिला होगा। बाकी सारे शब्द आसान थे और कहीं भी किसी भी अंक में मिल सकते थे, पर यह शब्द कभी भी ही काम में आता है। हाँ, अब सारी बात समझ में आती है। क्या तुमको संदेश में और कुछ नजर आया, मिस्टर होम्स? हाँ, एक दो संकेत तो मिल रहे हैं, पर सारे सुराग मिटाने की पूरी कोशिश की गई है। तुम देखोगे कि पता बेहद गंदी लिखावट में लिखा गया है, पर टाइम्स ऐसा अखबार है जो सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोगों के हाथों में ही जाता है, इसलिए हमको यह मानकर चलना होगा कि यह पत्र किसी ऐसे पढ़े लिखे शख्स के दिमाग की उपज है जो अपने को अनपढ़ दिखाना चाहता है और उसकी अपनी लिखावट छिपाने की कोशिश बताती है कि उसकी लिखावट तुम्हारे लिए जानी पहचानी है। फिर तुम गौर करोगे, शब्द एक सीधी लाइन में नहीं चिपकाए गए हैं, पर कुछ शब्द दूसरे शब्दों से थोड़े ऊपर हैं। इसका मतलब या तो वह लापरवाह किस्म का है या वह बहुत हटबडहट और जल्दी में रहा होगा। मुझे लगता है कि वह जल्दी में था, क्योंकि यह मामला जाहिर है, बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं हो सकता कि इसको लिखने वाला लापरवाह होगा। अगर वह जल्दी में था तो सवाल यह उठता है कि वह क्यों जल्दी में था, क्योंकि सुबह सवेरे भी अगर यह खत पोस्ट किया जाता तो सर हेनरी के होटल छोड़ने तक पहुंच जाता। क्या लिखने वाले को कोई अड़चन थी? थी भी तो किससे? अब हम तुक्केबाजी की दुनिया में कदम रख रहे हैं, दाव मॉर्टिमर ने कहा। तुक्केबाजी नहीं, बल्कि उस दुनिया में जहाँ हम संभावनाओं को नापते तोलते हैं और सबसे भारी संभावना को चुनते हैं। यह कल्पना का वैज्ञानिक तौर पर इस्तेमाल है, पर हमारे पास हमेशा ठोस सबूत होते हैं जहां से हम अपने अनुमान लगाने शुरू करते हैं। अब बेशक तुम इसको तुक्केबाजी कहोगे, पर मुझे करीब करीब पूरा यकीन है कि यह पता किसी होटल में लिखा गया है। आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि लिखने वाले को कलम और स्याही दोनों ही से परेशानी हो रही थी। एक ही शब्द में कलम दो बार अटका और एक छोटे से पते में तीन बार सूखा, जिसका मतलब कि दवात में बहुत कम स्याही बची थी। अब कोई अपना निजी कलम या दवात इस हालत में नहीं रखता, और दोनों ही चीज़ों की यह हालत तो शायद ही कभी होती हो, पर होटल के सामान के बारे में तुमको मालूम ही है। हाँ, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है कि अगर हम चैरिंग क्रॉस के अस्पतालों के कूड़ेदानों में टाइम्स अखबार के कटे हुए टुकड़ों को ढूंढ निकाले तो हम सीधे उस शख्स तक पहुँच सकेंगे जिसने यह विचित्र संदेश भेजा है। अरे अरे, यह क्या है? वह गौर से उस कागज को देख रहा था जिस पर शब्द चिपकाए गए थे, अपनी आंखों से सिर्फ एक आध इंच की दूरी से। क्या है? कुछ नहीं, उसे नीचे फेंकते हुए वह बोला, यह खाली कागज का टुकड़ा है और इस पर वॉटरमार्क भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हमने इस अजीब खत से जो कुछ जानना था जान लिया है। और अब सर हेनरी, लंदन आने के बाद से क्या तुम्हारे साथ कोई और दिलचस्प बात हुई है? अरे नहीं मिस्टर होम्स, मुझे नहीं लगता। तुमको नहीं लगा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है या तुम पर आंख कड़ाए है? मुझे लगता है कि मैं किसी बाजारू उपन्यास का किरदार बन गया हूँ, हमारे मेहमान ने कहा। कोई क्यों मेरा पीछा करेगा या नजर गड़ाएगा? हम इस मुद्दे पर अभी आते हैं। तुम्हारे पास हमें बताने के लिए और कुछ नहीं है। यह तो उस पर निर्भर करता है कि तुमको बताने लायक क्या लगता है। जो कुछ भी आम जिंदगी से हटकर होता है वही बताने लायक होता है। सर हेनरी मुस्कराया। मुझे ब्रिटिश जीवन शैली के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मैंने करीब करीब अपना सारा समय स्टेट्स और कनाडा में बिताया है। पर मुझे उम्मीद है कि एक जूता खोना यहाँ की जिंदगी का आम धर्रा नहीं है। तुम्हारा एक जूता खो गया है, माय डियर सर डाउ, मॉर्टिमर ने आवेश में कहा। वह इधर उधर हो गया होगा, होटल लौटने पर तुमको मिल जाएगा। इतनी छोटी बात के लिए मिस्टर होम्स को क्यों परेशान कर रहे हो? उसने ही तो पूछा था कि क्या कुछ अलग हटके हुआ है आज। बिल्कुल, होम्स ने कहा, चाहे घटना कितनी भी बेवकूफी भरी क्यों न हो तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा एक जूता खो गया है। कम से कम इधर उधर तो हो ही गया है।
पिछली रात मैंने दरवाजे के बाहर दोनों जूते रखे थे, पर सुबह वहां पर एक ही था। जूते साफ करने वाला भी कुछ नहीं बता पाया। सबसे दुख की बात यह है कि मैंने कल रात ही खरीदे थे और कभी पहने भी नहीं थे। अगर तुमने कभी पहने नहीं थे तो साफ करने के लिए बाहर क्यों छोड़े? नहीं, उन पर कभी पॉलिश नहीं की गई थी, इसलिए मैंने बाहर रख दिए थे। तो इसका मतलब, जब तुम कल लंदन पहुंचे तो आते ही तुम बाहर गए और जूते खरीद लाए। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। दा मॉर्टिमर भी मेरे साथ था। देखो, अगर मुझे इस जायदाद का मालिक बनना है तो मुझे अपनी वेशभूषा उसी तरह की रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है पश्चिम में रहते रहते मेरी वेशभूषा भी वैसी ही हो गई हो। दूसरी चीजों के अलावा मैंने ये जूते खरीदे, भूरे रंग के, $6 में, और पैरों में पहनने के पहले ही उनमें से एक चोरी भी हो गया। इतनी बेकार चीज की चोरी हो गई, शर्लॉक होम्स ने कहा। मैं डॉ मॉर्टिमर से सहमत हूं कि खोया हुआ जूता बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अब दोस्तों, सर हेनरी ने दृढ़ता से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे जो कुछ भी मालूम था उसके बारे में मैं काफी बता चुका हूं। अब समय आ गया है कि तुम लोग अपना वादा पूरा करो और मुझे पूरी बात की जानकारी दो। तुम्हारी फरमाइश बिल्कुल जायज है, होम्स ने जवाब दिया। डॉ मॉर्टिमर, तुम ही पूरी कहानी बेहतर ढंग से सुना सकते हो, जैसे हम लोगों को सुनाई थी। इस तरह प्रोत्साहन पाकर हमारे वैज्ञानिक दोस्त ने जेब से कागजात निकाले और पूरा केस पेश किया, जैसे पिछली सुबह किया था। सर हेनरी बास्करविले ने ध्यान से सुना और बीच बीच में आश्चर्य भी प्रकट करता रहा। अच्छा, मैं शायद किसी साजिश के तहत इस संपत्ति का मालिक बन रहा हूँ। लंबी कहानी खत्म होने के बाद वह बोला, मैं बचपन से ही शिकारी कुत्ते की कहानी सुनता आ रहा हूँ। यह हमारे खानदान की प्रिय कहानी है, हालांकि मैंने पहले इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, पर जहां तक मेरे अंकल की मौत का सवाल है, अभी मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई है और मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने अभी तक फैसला नहीं किया है कि यह पुलिस का केस है या पादरी का? बिल्कुल सही। और अब मुझे होटल में मिली चिट्ठी वाला किस्सा शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बियाबान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में किसी और को हमसे ज्यादा जानकारी है, डॉ मॉर्टिमर ने कहा। और होम्स ने कहा, यह भी कि यह शख्स तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, क्योंकि उसने तो खतरे की चेतावनी दी है। या यह भी हो सकता है कि मुझे डराकर भगाने में उनका उल्लू सीधा हो रहा हो। हाँ, यह तो मुमकिन है, और मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉ मॉर्टिमर, तुमने इतना पेचीदा केस मेरे सामने रखा। पर असल फैसला जो हमें लेना है सर हेनरी, वह यह है कि तुम्हारा इस वक्त बास्करविले हॉल जाना ठीक होगा या नहीं। मैं वहां क्यों न जाऊं? वहां खतरा नजर आ रहा है। तुम्हारा मतलब इस खानदानी प्रेत से है या इंसानों से? यही तो हमको मालूम करना है। जो कुछ भी हो, मेरा जवाब एक ही है, नरक में कोई शैतान नहीं है मिस्टर होम्स, न जमीन पर कोई इंसान जो मुझे अपने ही लोगों के घर जाने से रोक सके। और इसको मेरा आखिरी जवाब समझो। बोलते समय उसकी भौहें तनी हुई थी और चेहरा सुर्ख हो रहा था। साफ नजर आ रहा था कि बास्करविले खानदान का मशहूर गुस्सा उसके इस आखिरी वंशज में भी कूट कूट कर भरा था। वह बोला, तुम लोगों ने जो कुछ मुझे बताया है उसके बारे में विचार करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला है। किसी के लिए भी एक बार में ही समझना और फैसला लेना मुश्किल होता है। अपना मन बनाने के लिए मुझे एक घंटे का एकांत चाहिए। अब देखो होम्स, इस वक्त 11:30 बजे हैं और मैं सीधे अपने होटल जा रहा हूं। क्यों ना तुम और डॉक्टर वाटसन 2 बजे हमारे साथ लंच करो, तब मैं तुमको साफ तौर पर बता सकूंगा कि मैं इस सब के बारे में क्या सोचता हूं। क्या तुमको इसमें सहूलियत है वाटसन? एकदम। तो हमारा इंतजार करना। क्या मैं कैब बुलाऊं? नहीं, मैं पैदल जाना चाहता हूँ। इस केस ने मुझे झकझोर दिया है। मैं भी तुम्हारे साथ खुशी से चलता हूँ, उसके दोस्त डॉ मॉर्टिमर ने कहा। तो हम 2 बजे फिर से मिलते हैं। बाय बाय। हमने अपने मेहमानों को सीढ़ियों से उतरते सुना और भड़ाक से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। एक पल में होम्स वह हलसाया खोया मखौटा उतारकर फुर्तीला नौजवान बन गया था। अपने हैट और जूते लो वाटसन, जल्दी, एक पल भी नहीं खोना है। वह ड्रेसिंग गाउन पहने अपने कमरे में घुसा और कुछ ही सेकंड में ओवरकोट पहने बाहर आया। हम दोनों सीढ़ियों से उतरकर सड़क की ओर दौड़े। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की दिशा में करीब 65 मीटर की दूरी पर डॉ मॉर्टिमर और सर हेनरी हमको अब दिखाई दे रहे थे। क्या मैं तेज दौड़कर उनको रोकूं? ऐसा मत करो वाटसन, अगर तुम मेरे साथ से खुश हो तो मैं भी तुम्हारे साथ से खुश हूँ। हमारे दोस्त अकलमंद हैं क्योंकि आज पैदल सैर करने के लिए बड़ा सुहाना दिन है। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और हमारे बीच की दूरी आधी रह गई।
फिर करीब 34 मीटर की दूरी बरकरार रखते हुए हमने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और फिर रीजेंट स्ट्रीट में उनका पीछा किया। एक बार हमारे दोस्तों ने रुककर एक दुकान की खिड़की में झांका। होम्स ने भी ऐसा ही किया। अगले ही पल उसने राहत की सांस ली। उसके उत्सुक आंखों की दिशा में देखने पर मैंने देखा कि एक हैंडसम कैब, जिसमें एक आदमी अंदर बैठा था, सड़क के उस पार आकर रुकी थी और अब फिर से धीरे धीरे चलने लगी थी। हमें इसी आदमी की तलाश थी। वॉटसन, जल्दी आओ, अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे अच्छी तरह देख तो लें। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि कैब की खिड़की से एक बेतरतीब काली दाढ़ी और तीखी पैनी नज़र हम पर टिकी हुई है। अचानक ड्राइवर को तेज आवाज में आदेश दिया गया और कैब तेजी से रीजेंट स्ट्रीट से चली गई। होम्स ने फुर्ती से दूसरी कैब को ढूंढने की कोशिश की पर कोई खाली कैब दिखाई नहीं दी। फिर वह ट्रैफिक को चीरता तेजी से पहली कैब के पीछे दौड़ा, पर कैब की रफ्तार बहुत तेज थी और अब तक आंखों से ओझल हो चुकी थी। ट्रैफिक से परेशान हौंफता हुआ होम्स लौटा। थत तेरे की, क्यों इतनी बड़ी चूक हो गई? कड़वाहट से वह बोला, वॉटसन, वॉटसन, अगर तुम ईमानदार इंसान हो तो तुम इस घटना को मेरी असफलता के तौर पर पेश करोगे। वह आदमी कौन था? मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं। जासूस। देखो, जो कुछ भी हमने सुना है उससे यह तो जाहिर है कि बास्करविले जब से शहर आया है तभी से उसका लगातार पीछा किया जा रहा है, नहीं तो इतनी जल्दी यह कैसे मालूम पड़ गया कि वह नॉर्थवेलैंड होटल में रहेगा। तो मैंने सोचा कि अगर पहले दिन उसका पीछा किया गया तो दूसरे दिन भी किया जाएगा। तुमने गौर किया होगा कि जब डॉ मॉर्टिमर वह किस्सा पढ़कर सुना रहा था, मैं दो बार खिड़की की ओर गया था। हाँ, मुझे याद है। मैं देख रहा था कि सड़क पर कोई यूं ही तो नहीं मंडरा रहा, पर मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। हमारा एक बहुत चालाक आदमी से पाला पड़ा है, वॉटसन। यह मामला बहुत गहरा है और हालांकि मैं अभी कोई फैसला नहीं ले पाया हूं कि चिट्ठी लिखने वाला हितेशी है या दुश्मन, मुझे महसूस हो रहा है कि वह बहुत चालाक और ताकतवर है। जब हमारे दोस्त निकले, मैं फौरन उनके पीछे गया ताकि उन पर नज़र रखने वाले अनजान शख्स को पहचान सकूं। वह तो इतना चालाक निकला कि पैदल नहीं था बल्कि एक कैब ले रखी थी जिससे वह उनका पीछा भी कर सके और उनको मालूम भी न पड़े। इससे उसको यह अतिरिक्त फायदा भी था कि अगर वे दोनों कैब लेते हैं तो उसको उनका पीछा करने में दिक्कत न हो। पर उसको एक दिक्कत हो गई है, कैब वाले से उसको खतरा हो गया है। वही तो, कितने दुख की बात है कि हमें उस कैब का नंबर नहीं मिला। माय डियर वॉटसन, चाहे मैंने गड़बड़ कर दी हो, फिर भी क्या तुमको वाकई लग रहा है कि मैंने नंबर नहीं लिया? हमें 2704 नंबर वाली कैब की तलाश है पर इस समय वह हमारे किसी काम का नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो। कैब को देखते ही मुझे मुड़कर दूसरी दिशा में जाना चाहिए था। फिर मुझे चुपचाप दूसरी कैब लेकर एक दूरी बनाए हुए पहली कैब का पीछा करना चाहिए था, या उससे बेहतर होता कि मैं नॉर्थवेलैंड होटल पहुंचकर उसका इंतजार करता। जब हमारा यह अजनबी बास्करविले का घर तक पीछा करता तो हम भी वही खेल खेलते और देखते कि उसका इरादा क्या है। पर जरा सी उत्सुकता ने हमारा पर्दाफाश कर दिया जिससे हमने उसे हाथ से जाने दिया और उसने हमारी कमजोरी का बला की फुर्ती और चुस्ती दिखाते हुए फायदा उठा लिया। बातचीत करते हुए हम धीरे धीरे रीजेंट स्ट्रीट पर टहलते हुए बढ़ रहे थे और डॉ मॉर्टिमर और उसका दोस्त कब के आंखों से ओझल हो चुके थे। उनका पीछा करने का कोई फायदा नहीं, होम्स ने कहा, शिकार हाथ से जा चुका है। हमको अब यह देखना है कि हमारे हाथ में कौन सी बाजी बची है और ध्यान से खेलना है। क्या तुम कैब वाले आदमी की शक्ल पहचानने का दावा कर सकते हो? मैं तो सिर्फ दाढ़ी पहचानने का दावा कर सकता हूँ, और मैं भी, और इससे मुझे शक है कि शायद वह नकली दाढ़ी थी। इतने पेचीदा काम में उलझा एक चालाक आदमी दाढ़ी सिर्फ चेहरा छिपाने के लिए ही रख सकता है। अंदर चलो वॉटसन। वह एक दफ्तर में गया जहाँ के मैनेजर ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। विल्सन, मैं देख रहा हूँ कि तुम वह छोटा सा केस भूले नहीं हो जिसमें तुम्हारी मदद करने का मुझे मौका मिला था। नहीं, मैं नहीं भूला हूँ, तुमने मेरी इज्जत बचाई थी और शायद मेरी जान भी। अरे, तुम तो बात को बड़ा चढ़ा कर बता रहे हो। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है विल्सन, कि तुम्हारे साथ कार्टराइट नाम का एक लड़का था जिसने जाँच के दौरान अपना हुनर दिखाया था। जी हाँ, वह अब भी हमारे साथ है। क्या तुम उसे बुला सकते हो? शुक्रिया, और मुझे 5 पाउंड के इस नोट की रेजगारी चाहिए। 14 साल का होशियार सा दिखाई देने वाला लड़का मैनेजर के बुलाने पर फौरन आ गया। अब वह बहुत ही अदब से मशहूर जासूस के सामने खड़ा था। मुझे होटल की डायरेक्टरी चाहिए, होम्स ने कहा। शुक्रिया,
अब कार्टराइट, यहाँ पर 23 होटलों के नाम दिए गए हैं जो चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल के आसपास हैं। दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, तुम एक एक करके सब में जाओगे। ठीक है, हर होटल में तुम बाहर वाले दरबान को एक शिलिंग देकर शुरुआत करोगे। ये रही 23 शिलिंग। ठीक है, तुम उससे कहोगे कि तुम कल का अखबार देखना चाहते हो। एक जरूरी टेलीग्राम खो गया है और तुम उसे ढूंढ रहे हो। समझे ना? पर असल में तुमको टाइम्स अखबार का बीच का पन्ना ढूंढना है जिसमें कई जगह कैंची से काटने की वजह से छेद होंगे। यह टाइम्स की एक कापी है। हमको यही पन्ना चाहिए। तुम इसे आसानी से पहचान लोगे ना? हाँ, हर होटल में बाहर वाला दरबान हॉल के दरबान को बुलाएगा, जिसको भी तुम एक शिलिंग दोगे। ये रही 23 शिलिंग। 23 में से 20 जगह तुम पाओगे कि पिछले दिन का कूड़ा, रद्दी, अखबार आदि या तो जला दिया गया है या हटा दिया गया है। बाकी 3 जगह तुमको अखबारों का ढेर दिखा दिया जाएगा जिसमें से तुमको टाइम्स का पन्ना ढूंढना है। इसके मिलने की संभावना काफी कम है। तुमको मैं 10 शिलिंग और दे रहा हूँ क्योंकि कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। मुझे शाम तक बेकर स्ट्रीट के पते पर टेलीग्राम से सूचित करना। और अब वॉटसन, हमें कैब ड्राइवर नाम 2704 के बारे में और जानकारी लेनी है और फिर हम होटल जाने के समय तक बॉर्डर स्ट्रीट की किसी पिक्चर गैलरी में अपना समय बिताते हैं।